दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर पर इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और आपको दिन भर इंटरनेट पर ही हो जाता है, आपके जितने भी काम होते हैं दोस्तों वो इंटरनेट पर ही किए जाते हैं, तो आज हम टैब से रिलेटेड कुछ आपको शॉर्टकट की बताएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके वर्किंग में। दोस्तों, ये काम की शॉर्टकट की हैं, इसको आपको जानना चाहिए वो कौन कौन सी टैब से रिलेटेड शॉर्टकट की हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, यहाँ पर पहली टैब शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। अगर आपको न्यू टैब चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे तो यहाँ पर न्यू टैब आएंगे आपको जितने चाहिए, एंड यहाँ पर सर्च करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं एक्स वाई जेड। आपको और चाहिए तो कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे तो न्यू टैब आपको आसानी से इंसर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, टैब से रिलेटेड दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे तो आपके जो टैब है वो रिमूव होते जाएंगे। आप जितने टैब इंसर्ट किए हैं वो आप आसानी से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाकर हटा सकते हैं। एंड यहाँ पर टैब से रिलेटेड तीसरी शॉर्टकट की है दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो आपने जो रिमूव किया है टैब वो फिर से वापस आ जाएगा। जब आप इंटरनेट पर काफ़ी टैबों पर काम कर रहे हो, काफ़ी वेबसाइट, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी चीज़ें खुली हों और आपसे गलती से कोई टैब रिमूव हो जाता है और आपको पता नहीं कौन सा टैब हुआ है, तो आप तुरंत उसको ला सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाकर। एंड दोस्तों, लास्ट शॉर्टकट की है टैब से रिलेटेड, वो है कंट्रोल प्लस टैब। दोस्तों, आप मल्टीपल अगर साइट पर काम कर रहे हैं तो आप माउस के द्वारा अगर बार बार साइट पर जा रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस टैब से भी जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो जो साइट पर आपको जाना है वो खुल के आ जाएगी सामने, है ना। कंट्रोल प्लस टैब आपको दबाना है। तो कुछ बेसिक जानकारी थी टैब से रिलेटेड। अगर इंटरनेट पर आप ज़्यादा काम करते हैं तो इन शॉर्टकट का आप यूज़ करके और भी आप अपने वर्क को फास्ट बना सकते हैं इंटरनेट पर। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।